अगर आपको चाशनी बनानी नहीं आती फिर भी आप ये मूंगफली की कतली बहुत ही अच्छे से बना सकेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में रखते ही घुलने वाली ये बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 2 कप जितनी मूंगफली लेंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाती है ये मार्केट में। तो हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, घी या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कब तक रोस्ट करना है? जब तक इसकी स्किन जो है वो हल्की सी ब्राउन होनी ना स्टार्ट हो जाए। जब हम इसके छिलके हटाएं ना तो छिलके बहुत ही आसानी से हट जाने चाहिए और मूंगफली पे हल्के से ब्राउन स्पॉट भी आ जाने चाहिए और जो मूंगफली जो है वो हल्की सी क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मध्यम गैस की आंच पर इसे 7 से 8 मिनट लगेंगे सिकने में। तेज़ आँच पर हमें इसे नहीं सेकना है। मूंगफली के जो 2 पार्ट होते हैं वो अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो समझना है कि मूंगफली जो है वो बहुत ही अच्छे से सीक चुकी है। तो हमें इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है। गैस की आंच मैंने यहाँ पर बंद कर दी है। तो मूंगफली के ठंडे होने के बाद हम इसकी स्किन हटा लेंगे और हमें मूंगफली को अलग कर लेना है। सभी मूंगफली की इसी तरह से स्किन हटा लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे छन्नी की मदद से भी छान के इसकी स्किन को अलग कर सकते हैं। किसी किचन टॉवल में भी इसे रब करके इसकी स्किन अलग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये देखिए, सभी मूंगफली की स्किन जो है वो मैंने हटा ली है। तो अब हमें इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। हमें इसे ग्राइंड करना है, लेकिन एक साथ ग्राइंड नहीं करना है, पल्स मोड में हम इसे ग्राइंड करेंगे, यानी कि मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड करना है। तो एक बार मिक्सर चलाने के बाद हम इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे और जो पाउडर निकल चुका है मूंगफली से उसे अलग कर लेंगे, वरना मूंगफली का जो तेल है वो मिक्सर में आता जाएगा और बर्फ़ी टेस्टी नहीं बनेगी। तो जो मूंगफली जो है वो पीस नहीं सकी है उसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे। तो 2 से 3 बार लगेंगे इसको पीसने में। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे, तो ज़रूर से इसे ऐड कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है ये मिल्क पाउडर। एक कढ़ाई में हम 1 कप जितनी चीनी लेंगे और 1/2 कप जितना पानी ऐड करेंगे। बहुत ही सरल मेजरमेंट है, 2 कप मूंगफली, 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। थोड़ी सी कुटी हुई इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। मेजरिंग कप्स का होना ज़रूरी नहीं है, आपके किचन में रखी कोई भी एक कटोरी को आप नाप के लिए सेट कर ले, वही नाप से सारी चीज़ें ऐड करें। तो चीनी को हमें घलने देना है। जैसे ही चीनी सारी घल जाए 1 से 2 मिनट ही हम इसे उबालेंगे। कोई तार नहीं बनाना है, लेकिन अगर आपको चाशनी बनानी आती है तो 1 तार की चाशनी बनने दें। लेकिन चाशनी बनानी नहीं आती तो इस तरह से जब आपको सिरप जो है वो हल्का चिकना लगे उसी स्टेज पर इसमें मूंगफली और मिल्क पाउडर का मिश्रण ऐड कर दें। तो अब हम इसे मिला लेंगे, एक भी गुठली ना रहे ये बात का हमें ख्याल रखना है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चाशनी नहीं बनी है। आराम से इसे मिक्स कर लें मध्यम गैस की आंच पर। रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। तो अब हम इसे मिलाते हुए पकाएंगे। 2 टेबलस्पून जितना घी अभी ऐड करेंगे। कुल यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जितना घी ऐड किया था, लेकिन अभी सिर्फ 2 टेबलस्पून ही घी ऐड किया है। बाकी का घी हम बाद में ऐड करेंगे। बाद में घी ऐड करने से इसमें एक बहुत अच्छी साइन आएगी और इसे चिपकने के चांसेस भी नहीं रहेंगे पैन में। तो 2 टेबलस्पून जितना घी अब हम ऐड कर देंगे इसमें। सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है और अब हम इसे कुक करेंगे। कब तक कुक करना है? जब तक ये बैटर जो है वो पैन से अलग ना हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। मध्यम गैस की आंच पर हमें इसे पकाना है। तेज़ गैस की आंच पर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये चिपक जाएगा। तो मिश्रण को पैन में हमें छोड़ नहीं देना है, मिलाते हुए पकाना है इसे। तो 8 से 10 दिन तक हम इसे बिना फ्रिज के बाहर भी बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये बर्फ़ी। तो इस तरह का मिश्रण बनने के बाद हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और हमें इसे किसी बटर पेपर पे या फिर प्लास्टिक की सीट पे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए, मिश्रण को हम बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके ऊपर घी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बटर पेपर पे कोई भी मिश्रण चिपकता नहीं है। तो अभी ये बहुत ही गर्म है
तो हम इसे किसी स्पेचुला की मदद से इसे थोड़ा सा मस लेंगे। देखिए ये कितना लूज़ है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये एक डो बनता जाएगा। तो बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिले भी नहीं करना है। तो इस तरह से हम स्पेचुला की मदद से डफ बना लेंगे हम इसका। तो कुछ एक से दो मिनट बाद इसका इस तरह से थोड़ा सा हार्ड डफ बन जाएगा। तो इस स्टेज पर हमें दूसरा बटर पेपर लेना है या फिर प्लास्टिक सीट लेनी है। इसके ऊपर हम इस तरह से इसे कवर कर लेंगे और बेलन की मदद से इसे हम रोल कर लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक मोटा या पतला बेल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी थिकनेस काजू कतली की थिकनेस के साथ कंपेयर करके मेंटेन की है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मूंगफली की बर्फ़ी बनाई है। अगर आप चाहें तो हाफ़ क्वांटिटी में काजू और हाफ़ क्वांटिटी में मूंगफली भी ले सकते हैं। अगर आप भी थोड़ा सा मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट मूंगफली की कतली बनेगी। 2 कप मूंगफली, 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, ये मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो इस तरह से मैंने इसे रोल कर लिया है। थोड़ी सी पतली और चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे और रोल करूँगी। तो हमें इसे हल्का सा ठंडा होने देना है, देन हम इसके पीसेस बनाएंगे। कुछ देखिए इस तरह की मैंने इसकी थिकनेस मेंटेन की है। आप इससे मोटी भी रख सकते हैं, इससे पतली भी कर सकते हैं। तो डायमंड शेप में हमें इसे कट करना है। अगर आप चाहें तो इसे चौकार आकार में भी कट कर सकते हैं। तो मूंगफली के हल्के गर्म होने के टाइम ही हम इसके पीस बना लेंगे। अभी के लिए आपको ये हल्की सी चिकनी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी इसका प्रॉपर टेक्स्चर अपने आप आ जाएगा। तो हमें इसे ठंडा होने देना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो हमारी ये मूंगफली की कतली जो है वो तैयार हो चुकी है। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।